<coughs> हेलो भाई साहब चलिए ध्यान किधर है क्लास इधर है इधर भाई साहब बुकेब क्लास चलिए भाई साहब जल्दी जल्दी आइए ये।, ये वो सरोजनी नगर वाला नहीं लग रहा हूं मैं। ए भाई साहब हे भाई साहब इधर 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 पांच रुपए का टी शर्ट पांच रुपए का ध्यान किधर है दुकान इधर है चलिए जी आइए इसी मजाक मस्ती के साथ जोश के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की मैं जयदीप सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता है क्लास नंबर बुकेब की साथ में ये वोकैब का फ्री बैच है जो बड़े ही धमाकेदार तरीके से चल रहा है इस वोकैब के बैच से बाहर एग्जाम वो कैब आ ही नहीं सकती दम ही नहीं है एग्जामिनर का कि इससे बाहर वोकेब बता दे घर से पकड़ हम उसको क्योंकि बड़ा सारी प्रीवियस ईयर प्लस न्यूज़पेपर सारी लेटेस्ट वो कैब हम इस बैच में कवर करके चलेंगे और भाई तो मैं स्मार्ट लग रहा हूं थैंक यू सो मच तुमने बोला नहीं मैंने खुद ही बोली अपने पास क्योंकि मैं स्क्रीन पर अपने आप को इस वक्त देख पा रहा हूं साइड में बहुत जका बहुत बढ़िया ब्लेजर लग रहा है चलो जी स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह से आप भी गधो की तरह मेहनत कर रहे हैं सुबह से मैं भी गधो की तरह मेहनत कर रहा हूं दोनों भाई शाम को थक के छह बजे वो कैब के इस महफिल में आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई लिखाई आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो को लाइक करना मैक्सिमम शेयर करना प्लीज ठीक है ये बात मैं सीरियसली बोल रहा हूं मजाक से परे भाई साहब सीरियसली बात है बेटा मैक्सिमम शेयर करना कसम से बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा सिलेक्शन लेके आता है और कहता है गुरुजी मैं ऐसे 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 आपसे पढ़ा ठीक है पहली बार आपको यूट्यूब पे देखा क्योंकि आप लोग जितने भी हैं सब ने पहली बार मुझे यूट्यूब पर ही देखा होगा ठीक है आपने क्लास ली होगी आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे सर आज की बात करें आज फिर मैंने एक नई चीज की है आप लोगों के लिए अब मैं क्लास के एंड में स्पेलिंग भी दूंगा याद करके फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा मंडे टू फ्राइडे बैच रहेगा और कल शनिवार को ग्यारह बजे एक बहुत प्यारी सी, क्यूट सी वीडियो आएगी बहुत गजब की मेहनत की है मैंने उस वीडियो में कल सुबह ग्यारह बजे सारे के सारे बच्चे मस्त नहा धो के नहा लेंगे कल ठीक है ना एक बार तो नहा लेंगे ठीक है हापड़े चेंज कर लेंगे नहा लेंगे लेंगे कपड़े चेंज कर ठीक है वो जो बगल में कीड़े लगे हुए हैं तुम्हारे वो ना नहा नहा के जो कीड़े लग लगे वो और कहता नहीं नहीं सर मैं वहां ना सब्जी मंडी गया था तो वहां से कीड़ा चढ़ गया होगा नहाया नहीं है महीने से तो कल नहा के मस्त नहा दो के चिकने होकर ग्यारह बजे वीडियो देखेंगे बहुत प्यारी वीडियो बहुत गजब की एडिटिंग कराई है सर अच्छा लगेगा आपको अच्छा फील आएगा ठीक है क्या क्या चीजें हैं आइए जी तो लेते हैं मां सरस्वती का नाम और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चलो

पाँच छिको तीस हो गया भैया तीन सौ वर्ड अब तक हम याद कर चुके हैं बेटा और ऐसे बहुत सारे वर्ड हम अब तीन सौ वर्ड के बाद अपने देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा तो ले प्रभु का नाम और पहला वर्ड देखते हैं बेटा पहला वर्ड है डफर्मेशन अब स्पेलिंग लिखने पे आ जाओ स्पेलिंग टेस्ट भी है आपका पहला वर्ड है डफर्मेशन बेटा लाइक और शेयर करते रहना भाई साहब मुझे को जनता चाहिए भर भर के तुम्हारा इंटरेस्ट कम होगा मैं क्लास बंद कर दूंगा भैया फिर मेरा दिल टूट जाएगा और तुम्हें है टूटा दुआ दिल बड़ा बेकार लगता है ठीक है क्योंकि तुम्हारे कईयों के टूटे होंगे ठीक है चलो बेटा अब करते हैं मजाक मस्ती बंद और काम पे चाल ध्यान देते बेटा वर्ड वर्ड कैसे पाजी बना है डी प्लस फेम से एक बात बताओ अगर आपका फेम है तो आपका औधा है और मैं उसको डी फेम कर दू तो डी क्या कर देगा उसको नेगेटिव कर देगा डी फेम कर दू तो मैं उसकी बेजती कर रहा हूं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं उसकी इंसल्ट कर रहा हूं तो मैंने बोल दिया डेफोमेशन डी प्लस फेम तो ये मैंने बोल दिया क्या मान हानि डी प्लस फे मान हानि का दावा सो द एक्शन ऑफ डफेम डेमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन किसी की गुड रेपुटेशन को जब आप डैमेज करते हैं ठीक है उसकी इंसल्ट करते हैं उसको डफोमेशन उसको डफोमेशन बोलते हैं जैसे ही स्विंग वो केस कर रहा है फॉर डफोमेशन ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर का डफोमेशन तुमने इसको बोल दिया अरे ये तो छिछोरा है ये चीज है बेटा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप किसी भी शादी में जाते हो ठीक है तो बुढ़े बुढ़े लोग जो इकट्ठे नहीं हो जाते साइड में और आपको देख के कह रहे होते हैं अरे इनका लौंडा तीन साल से तैयारी घर लगा नहीं है हाँ अरे ऐसी लोंडियाबाजी करता घूम रहा होगा दारू वारू पीता होगा ये कहाँ का वो आपके कैरेक्टर को डफेम करता है और वही जब आप नौकरी लगा के लगने के बाद इंस्पेक्टर बनने के बाद किसी शादी ब्याह में जाते हो तो वही बुढ़े पता है क्या बोलते हैं हाँ बहुत लायक बच्चा है बहुत लायक है मैंने इसे देखा है अब रात 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 पढ़ता रहता यूं 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 लोगों के विचार यू, यू बिन तली लोटे की हैं बेटा गवर्नमेंट जॉब का नशा है सही है जॉब लगती है साला अपने आप से वो डफोमेशन रेपुटेशन में कवर हो जाती है सो इसको बोलते हैं अगर आपके बारे में कोई ऐसा बोलता है तो उनको पकड़ पकड़ के केस ठोक देंगे हम तो इसीलिए बोलते हैं बेटा उसको डफोमेशन का केस डिफेम किया है उसने मुझे सो डिफेम बनता है मेरे बच्चे क्या

डिफेम अपने आप में वर्ब होती है इसलिए मैंने उसको यहां एक्सप्लेन कर दिया और डिफेमिंग उस वर्ब पर क्या लगा दिया आईएनजी तो उसे बना 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 दिया, दिया दिया, कह दो आप, भी बना 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 so आप भी सकते हैं ना, अपने में क्या बेटा ग्रुप सेइंग और राइटिंग बैड थिंग्स अबाउट देम जो सच नहीं है उनके बारे में आप कुछ बुरा भला लिख दो तो उसके लिए है। देखो क्लेम्ड द एडिटोरियल उसने क्लेम किया है वो जो एडिटोरियल है उसने उसको डिफेम किया है उसके बारे में कुछ लिखा होगा ठीक है बेटा वेरी गुड विलिफिकेशन क्या हुआ सर द एक्ट ऑफ सेइंग और राइटिंग अनप्लीजेंट थिंग अबाउट समवन किसी के लिए आप घटिया बात बोल रहे हैं समथिंग इन ऑर्डर टू कोज अदर पीपल टू हैव बैड ओपिनियन ऑफ हिम ताकि दूसरे लोगों में उसके प्रति घटियापन पैदा हो जाए उसके लिए भी बेटा विलिफिकेशन बोलते हैं विलिफाई करना याद रखना विलिफाई करना

सो so, इसको बोलते हैं बेटा विलीफिकेशन आइए स्लेंडर करना अगला वर्ड हमारे पास क्या है बेटा स्लेंडर करना सिलेंडर का मतलब क्या निकल के आ गया स्लेंडर अ सिलेंडर स्पोकन स्टेटमेंट अबाउट समवन किसी के बारे में स्पोकन स्टेटमेंट किसी के बारे में जब आप गलत बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं फोल्स बोलते हैं दैट डैमेज दे रेपुटेशन वो भी होता है बेटा क्या किया आपने उसको स्लेंडर लेकिन सिलेंडर नाउन होता है गैस वाला नहीं <laughs> गैस वाला नहीं ये सिलेंडर अच्छा अच्छा इसको निमोनिक मेथड से याद कराऊं निमोनिक मेथड से सिलेंडर याद कराऊं चलो एक मस्त है मेरे पास एग्जाम्पल कभी कभी मम्मी नहीं बोलती है अच्छा तुम्हारे में से कई जवान लोंडे ऐसे हुए होंगे जिनकी मम्मी ने बहुत सारे आम बेचती की होगी पता है क्यों जैसे ही सिलेंडर वाला आता है मम्मी कहती है अरे बेटा सिलेंडर उठा के रख दियो ठीक है और तुम ना तुम जाते हो सिलेंडर उठाने और आज का ये जो शरीर तुम्हारी एज बाईस की है तुम्हारा शरीर हो चुका है चौवालीस का तुम सिलेंडर उठाते हो भरा हुआ और तुमसे उठता ही नहीं है मम्मी कहती है रहेंदे रहते बेटा तू रह दे और मम्मी सिलेंडर उठाती है और यू रख देती है और तुम देख रहे थे मां 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 कमाल हो आप तो तुम ये देखो आज के टाइम में मां बाप तगड़े हो रखे हैं ठीक है और ये जो आज का युवा ना ये जो टिकटॉक वाले इस टाइम पे जो पैदा हो रखे हैं ठीक है ये युवा ऐसा इससे बरा हुआ सिलेंडर तक नहीं उठता ठीक है तुम होती है तुम्हारी बेजती तो उसमें याद रखना सिलेंडर और वो सिलेंडर अब तुम जिंदगी में ये वर्ड नहीं बोलोगे जो बेजती मैंने तुम्हारी की है ना भाई साहब ठीक है तो स्लैंडर जो मतलब है किसी के बारे में बुरा भला बोल के उसकी बेजती करना और साइड में से वो पड़ोस वाली पिंकी वो भी ऊपर से देख रही कहते और उधर से शालू शालू भी देख कहते हैं भाजपा बेजते तुम्हारी दो कोड़ी की इज्जत नहीं रोलना में इसका मतलब क्या कर दिया मम्मी ने बोल के कहते रहने बेटा रहने कहीं तरीके कमरा झटका दे मैं उठा देंगे सिलेंडर इसलिए मम्मी ने सिलेंडर उठाने के बहाने आपको कर दिया जी तो क्या बोलोगे? कमेंट एज सिलेंडर ऑन हर गुड रेपुटेशन मतलब अगला वर्ड अगला गांगे रे। तो सिलेंडर आज के बाद एसपोर्सिंग आप देखते हैं बेटा एसपोर्स करना तो एसपोर्सिंग जो बना है आईएनजी लगा बेटा एसपोर्स पे इसका मतलब एसपोर्स अपने आप में क्या है वर्ब तो आप वर्ड एस्पर्स टाइप करके चल सकते हो टाइप करके चल सकते हो एस्पर्स, मतलब एस्पर्स, मतलब एस्पर्स होता है अटैक और क्रिटिसाइज द रेपुटेशन किसी की भी इज्जत को किसी की भी रेपुटेशन को खराब करने का काम वो भी हो गया बेटा एस्पर्सिंग सेम बोल के चलोगे ठीक है तो ही एस्पर्स इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बेटा प्लेस एंड इट्स इनहेबिटेंट्स उसने उस एक्सपर्ट्स किया प्लेस को और उसके इनहेबिटेंट्स को उसने क्या कर दिया एक्सपर्ट कर दिया बेटा इसके लिए भी आप वर्ड यूज करते ये बेटा एक बार वर्ड यूज करना मेरे को छोटा सा काम आ गया एक सेकंड रुकना बेटा एक मिनट में आ गया चलो जी लवली वापस आओ तो हमने क्या बोला एस्पर्सिंग तो एस्पर्सिंग ये वर्ड आया छठे पे आ जाओ मेरे बच्चे अगला असैसिनेशन करना असैसिनेशन करना अब बेटा इसकी स्पेलिंग क्या पता मैंने जी जल्दी हो तो इसकी स्पेलिंग मैंने नीचे पूछे हो सकते हैं किसी को बताना मत तो असैसिनेशन का क्या मतलब होता है कैसे याद रखोगे देखो बेटा एक में इसकी दे सकता हूं। एक सन ऐसा दे दूंगा एक सन ऐसा दे दूंग Cien ऐसा दे दूंगा बेटा ऐसे करता वो स्पेलिंग में गलती फिर आप पेपर में घूम घूमोगे तो असेसिनेशन जो वर्ड है वो क्या आएगा तो वो चीज यहां पर है असेसिनेशन, तो इसके लिए है क्या द मर्डर ऑफ फेमस इंपॉर्टेंट और द मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर किसी भी पब्लिक फिगर को मारना होते ना उसने फिरौती ली है असेसिनेशन करने की सोAssassination so ये होता है बेटा फिरोती टाइप जो आप कहते हो ना हाँ तो वो तो the assassination was reported in all the newspaper मतलब किसी ऐसे फेमस पर्सन का मर्डर हुआ है तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं ठीक है ये चीज याद रखिएगा बेटा नोट नहीं करना है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास के तुरंत बाद तो so assassination ऐसे याद रखना किसी फेमस का ठीक है मर्डर करना किसी फेमस का मर्डर करना असैसिनेशन कहलाता है ठीक है आज याद रहेगा भूलोगे तो नहीं जुटको भूलोगे तो नहीं बेटा देखो जो भी जुड़ता जाए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर करते सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में जैसे आपके पास किसी ने मेरी वीडियो शेयर की थी आपको मेरे बारे में पता चला आपको अच्छा लगा अच्छा उससे पहले तुमने कभी ये सोचा यार हाउस से पहले मुझे सर का पता कैसे नहीं चले सो मिलियन का चैनल है हजारों बच्चे एडमिशन लेता है हर बैच में हजारों सेलेक्ट हो चुका है आज से पहले जयदीप सर का क्यों नहीं पता चली रहा तेरे को कहा था तू तो? पबजी खेल रहा होगा इसलिए मैं हमेशा लाइक और शेयर करने बोलता हूँ क्योंकि हम कितना ही क्यों ना हासिल कर ले चीजों को फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ते हैं ठीक है जो जुड़ते हैं तो इसलिए मैं लाइक शेयर करता हूँ उल्टा और बेटा मुझे बिल्कुल नहीं शर्म आती मैं हमेशा से बोलता हूं लाइक शेयर कर मैं ये नहीं हूं कि आया और ना लाइक शेयर करना मैं नहीं बोलता बच्चे करेंगे अपने आप नहीं भाई मैं मैं तो दिल खोल के बोलता हूँ तो मुझे बड़ा पसंद है जब कोई बच्चा आता ना कहता है मैं आपके साथ जुड़ा जुड़ाऊँ सर और बड़ा मजा आ रहा है मैं तो मजा ही लूंगा भाई ठीक है मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो प्यार से दुआई देता है तो चलो सो असिनेशन का यह मतलब हुआ अच्छा क्लमनी कैलमनी बोलते हैं इसको हालांकि कैलमनी अगला वर्ड है जी ठीक है Achha, आराम से याद हो जाएगा मेल से इसको तो मैं उस पर्सन की इमेज खराब करने के लिए आपने कुछ बोला देख लो बेटा क्यों देता हूं ताकि आप ना कभी भी आलस मत मानना इनको पढ़ते वक्त उसका रीजन यह है चुटको आपकी रीडिंग हैबिट बहुत शानदार हो जाएगी आप देखो वॉज सब्जेक्टेड टू द मोस्ट विशियस कैलमनी बट ही उसने कभी भी कंप्लेन नहीं की और कभी भी केस नहीं किया हालांकि बहुत ही खतरनाक उसके ऊपर आरोप लगे थे उसके ऊपर आरोप लगे थे लेकिन उसने फिर भी केस नहीं किया कहता छोड़ो दुनिया का काम यही है हमने क्या करना सो so, कैलमनी आप ये वर्ड याद रखोगे कैलमनी कैलमनी स्पेलिंग देखना बेटा कैलमनी स्पेलिंग के लिए कैलम ऐसे पढ़ोगे तो स्पेलिंग याद रह जाएगी ठीक है ऐसे पढ़ोगे तो स्पेलिंग याद रह जाएगी कैलम अलग और नी अलग ठीक है आगे देखो अब सर इस वर्ड को कैसे याद करें अरे बेटा बहुत बढ़िया एक वर्ड मैंने आपको बोला हूं मेल मेल ये हमेशा नेगेटिविटी के लिए यूज किया जाता है मेल हमेशा ही वर्ड वर्ड रूट वर्ड याद रखना बेटा ठीक है मैलेवलेंस ऐसे ही बनेंगे मेल ये रूट वर्ड याद रखना सो ये जो मैलिन अगला वर्ड है ना हाँ ये बना है मेल प्लस आई जी एन अलग है मेलिन so, में एम ए एल ये याद रखना इसका मतलब एक तो पहली चीज टू से फॉल्स ठीक है एंड अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट अबाउटन और टू क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली मतलब बेटा किसी को क्रिटिसाइज करना जबकि वो बच्चे ने अच्छा काम किया अच्छा है उसको खाम खा क्रिटिसाइज कर रहे हो उसकी बेजती करने की आप कोशिश कर रहे हो उसके बारे में बुरा भला बोल रहे शी हैज रिसेंटली बीन मेलिन इन द गोसिक कॉलम्स ऑफ सेवरल सेवरल में उसको क्या किया गया है? उसकी इंसल्ट की गई है जबकि वैसा कुछ था ही नहीं तो उसके बारे में गलत छापा गया उसके बारे में गलत छापा गया वो चीज यहां पर आ जाती है, है? इसका मतलब किस की तरह यूज हो रहा है वर्ब तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी बेटा वर्ब तो ये वर्ब की तरह है? यूज होगा अच्छा दगला देखो सर मैलिन एक और किसकी तरह की तरह क्या यूज होता है इंटेंडिंग टू कॉज हार्म जब आप दूसरे का नुकसान सोचते हैं इसीलिए मैंने बोला था Malivalence". Malivalence बेटा, मैलेवोलिस्ट के लिए आप कह सकते हो दूसरे का मानवता का नुकसान सोचने वाले दूसरों का नुकसान सोचने वाले उसके लिए बोलते हैं सर हमारे पास इसके घातक परिणाम है मेलिन इफेक्ट है घातक परिणाम इफेक्ट आप यूज कर सकते हो मेलिन इन्फ्लुएंस है घातक इंफ्लुएंस पड़ा है तो वो चीज़ें देखो जो तो फॉरेन डोमिनेशन हैड आ मेलिन इंफ्लुएंस ऑन लोकल पॉलिटिक्स तो लोकल पॉलिटिक्स पे तो उनका मेलिन इफेक्ट आके डल रहा है उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं ठीक है जी इसकी बात करते हैं तो हमारे पास बोला ये बेटा मैंने मेलिन जिसके लिए वर्ड ये बोला और ये वर्ड बोल दिया कितने हो गए जी दो तरीके से इस वर्ड को याद रखना एक बिल्कुल अलग मीनिंग है और एक ये घातक परिणाम हार्मफुल इफेक्ट हार्म के लिए नुकसान जब दूसरे का पहुंचाने की कोशिश करते हो और एक दूसरे की इज्जत खराब करना तो बेटा इसके दो मीनिंग एंटोनियम बाद में पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं इसलिए मैं क्या कर रहा हूं इसको सात और आठ मीनिंग दे रहा हूं ठीक है इसको नहीं इसको आठ और नौ जान पूछ के ताकि आप याद रहो और ये इसमें याद रखना मेल इसमें मेन रूटवर्ड है ठीक है इसको जान पूछ के मैं दो नंबर दे रहा हूं दो नाम ताकि आपको याद रहे कि सर हाँ हमें ये दो मीनिंग में याद रखना है तो बताओ पहला क्या हुआ डफर्मेशन एक बार रिवाइज कर ले बेटा जो जो लेट आए एक तो लेट बताया मैं कसम से देखो मेरे हाथ में पेन है मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं कसम खा के बोल रहा हूं मेरे बच्चे मुझे यहां गले में बहुत दर्द है टोन्सिल है और तुम्हें मेरे बोलते हुए जरा सा भी नजर नहीं आएगा मुझे दर्द हो रहा मीठा मीठा सा यहां यहां है मतलब एक टोन्सल नहीं हो जाता तो ठंडा पी लिया है, कुछ भी है या सुबह से शाम तक ज्यादा बोलने से यहां टोन्सल है और मैं तब भी पढ़ा रहा हूं क्यों क्योंकि तुम्हारा जोश देख के अब यही बच्चा दो सौ तीन सौ चार सौ लाइव चल रहा होता कहां पढ़ाता बंद कर देता क्लास तो टाइम पे आ करो यार मुझे लगे कि ठीक है अब देख रहा हूं, मैं टाइम पे आता हूं मैक्सिमम छह पाँच कर देता हूं और वो भी शीट बनने में देरी होती है अदरवाइज तो कुछ नहीं तो टाइम पे आरोप अच्छा लगे जैसे कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं तो दिल तोड़ने वाली बातें होती है ये दिल तोड़ने वाली बातें होती हैं <laughs> ठीक है और मैं तुम्हें जान पूछ बता रहा हूं <laughs> जान पूछ के बता रहा हूं कि मुझे दर्द है क्यों ताकि आपको लगे दुनिया में तुम ही मेहनत नहीं कर रहे मैं भी कर रहा हूं तुम्हें भी दर्द है ठीक है मुझे पता है बहुत से आप में से बीमार है और तब भी क्लास ले रहे हैं हैं ठीक है चलो दोनों भाई करते आगे काम सो so, पहला वर्ड था बेटा डफोमेशन करना डिफेम करना विलीफाई से विलिफिकेशन बना है ठीक है सिलेंडर देखो सिलेंडर एग्जाम्पल कभी नहीं बोलोगे करना होता है ना किसी असामी का कत्ल करना आप ये कह सकते हैं ठीक है नहीं करना और मैल से बना है मैलिन 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 में आई एनजी जुड़ा है ठीक है देखो कौन कौन सी वर्ब है एक है डिफेम और एसेसिनेशन तो है और मैलिन ये वर्ब हैं और डिफेम ये वर्ब है उनसे नाउन बनाए गए हैं डिफेम डोमेशन दोनों बोला करो पता है दोनों बोला करो अच्छा डफोमेशन क्या है नाउन इसकी वर्ब क्या है डिफेम डिफेम डफोमेशन

अब करेंगे हम तारीफ ही तारीफ और ये है जी वर्ड है ना हां नो दस एक्लेम <coughs> करना अब देख हो बेटा अब आप चीजों को एक्लेम कर रहे हो आप किसी की पब्लिकली तारीफ करते हो आप किसी को अप्रिशिएट करते हो उस केस में यूज करते हैं एक्लेम करना आप उसकी तारीफ कर रहे हो सो टू गिव पब्लिक अप्रूवल और प्रेज जब आपने किसी ने कुछ आइडिया सुनाया आपने बोला सर बहुत अच्छा है। आपने उसको एक्लेम किया बहुत अच्छा है तो ये क्या है बेटा वर्ब और ये नाउन दोनों की तरह ये यूज होता है ठीक है दोनों की तरह ये यूज होता है अब ध्यान से सुनो ध्यान से सुनना जैसे जैसे शी पब्लिकली एक्लेम्ड बेटा वर्ब है वो पब्लिकली एक्लेम्ड की गई उसकी तारीफ की गई क्यों फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिस्कवरी जो डिस्कवरी में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था हमने बोल दिया एपीजे अब्दुल कलाम ठीक है साहब वॉज पब्लिकली एक्लेम्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है किसके लिए टू द डिस्कवरी उन्होंने जो किया आप कह सकते हो मिसाइल मैन उन्हें क्यों बोला जाता था तो किया, किया. अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया प्रोत्साहन मिला था हाँ लेकिन फिर भी क्या हुआ हा द नोवल डिड नॉट सेल वेल बढ़िया बिकी नहीं वो चीज कहीं होती ना जिनका हुआ करता आदि पुरुष मूवी आदि पुरुष मूवी क्या हुआ था उस मूवी का बहुत सारा हा लेकिन दया के देखा तो कुछ था ही नहीं फिर पिट गई मूवी कहता मूवी ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए कही होता ना दर्शन बड़े काम छोटे ये वही काम हो गया ये वही काम हो गया तो एक्लेम है बहुत सारा उसको मिला लेकिन फिर भी, भी की नहीं वो चीज यहां पर आ जाती है ठीक है आ जाओ तो एक्लेम में क्या आ गया बेटा ए डबल सी एक्लेम में क्या आ गया ए डबल सी करना एक्कोलेट ए डबल सी एक्कोलेट अब एक्कोलेट के एकु लिए आप क्या यूज करते हो सेम बेटा एकुलेट करना और कल मैंने सिखाया था ना इसी बिहेवियर के साथ वर्ड को बोला तो क्लेम करना क्लेम 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 कर जैसे कर कर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कर रहे 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 हो 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 जैसे भाई साहब बहुत बहुत अच्छा अच्छा ऐसी एकुलेट जब आप किसी को प्रूव आ, मतलब आ, अप्रूवल दे देते हैं चलो ठीक है भाई आपने अच्छा काम किया प्रोत्साहित करो आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं बेटा प्रोत्साहित कर रहा हूं आपने अच्छा काम किया या मैं आपको क्या कर रहा हूं प्रेज कर रहा हूं आपने अच्छा काम किया ये चीज है ठीक है ये चीज है सो हर अप्रूवल वॉज द हाइएस्ट एक्ट ही कुड रिसीव क्या तो उसको यार हाँ कर दी क्या तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है जैसे एक साइंटिस्ट गया उसे कुछ फंड चाहिए था कि सर मुझे कम से कम बीस लाख चाहिए मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ बहुत अच्छा है सर प्लीज मान लीजिए और कमेटी का हो या टीम का हो उन्होंने कह दिया चलो ठीक है डन है अब मैं उस uh, उसे क्या कहूंगा साइंटिस्ट को मैं कहूंगा सर हर अप्रूवल जो उसको अप्रूवल मिला है सबसे हाइएस्ट एकोलेड है ही कुड रिसीव ठीक है तो ये चीज है मतलब उस लड़की का जो अप्रूवल मिला है ठीक है उस लड़की का जो अप्रूवल मिला है उसे उसके लिए हाईएस्ट एक्यूरेट है चलो भैया आपने भाभी जी से बोला शादी करने के लिए भाभी जी मान गई जी मान गई अब मान गई तो आपने क्या बोला हर अप्रूवल उसकी जो हां है यहां अप्रूवल हां कहो बेटा अप्रूवल ठीक है जो उसका अप्रूवल है ठीक है वो उसके लिए क्या बन गया एक्ट बन गया बहुत सारा आप ये कहो प्रोत्साहन बन गया गया बहुत सारा प्रेज हो गया उसके लिए ऐसे आप सेंटेंस को रिलेट कर सकते हो चलो जी एक्ट हुआ अब है बेटा करना अप्लौज ये भी तो बोलते हैं तालिया बजा के तालिया बजा के आप दूसरे को प्रेज कर रहे हो वहां पब्लिकली डिफेम कर रहे थे बेटा यहां तो अप्लाउज आप करते हो ना तो उसके लिए आप ये यूज करते हैं बेटा अप्लाउज करना द साउंड ऑफ पीपल क्लैपिंग जो आप हैंडसेक कर रहे हो रिपीटेडली टू शो एंजॉयमेंट एंड अप्रूवल ऑफ समथिंग सच एज अ परफॉर्मेंस और स्पीच ठीक है या कोई प्लेयर खेल के आ रहा है हमने उसको ये किया ये चीज है बेटा सो हर हिज स्पीच मेट विद या रिसीव्ड लाउड प्लॉज लाउड प्लॉज तालियों की गूंज तो वहां क्रिटिसाइज कर रहे थे यहां प्लॉज कर रहे हैं सो अ लॉट ऑफ प्लाउस तो सब तालियां बजाने चालू कर देंगे ठीक है ये तालियां बजाने चालू कर देंगे ये है अ अलग ऑफ अप्लाउस ठीक है अब देखिएगा तो जो मैंने एग्जाम्पल बोला ये किसकी तरह यूज किया जाएगा बेटा नाउन की तरह यूज किया जाएगा तो वापसी आते हैं <coughs> कहा गया भाई और कहां थे एंटोनिम्स कहा गए यार पागल हो गया अपलाउस अब आ जाओ बेटा अगला है प्रेज यार प्रेज को थोड़ी ना एक्सक्लेम करने की जरूरत है नहीं अच्छा अपनी गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी का नाम रखेगा रखे ना, रखे <laughs> तो आप ऐसे याद रखना गाड़ी आती है एस्टीम बेटा गाड़ी आती है एस्टीम तो एस्टीम कब मिलेगा एस्टीम कब मिलेगा ठीक है गाड़ी अच्छी होगी लोगों की सलाह उसके बारे में अच्छी होगी लोगों की ओपिनियन उसके बारे में अच्छी होगी तभी तो बिकेगी तो एस्टीम का मतलब हो गया रेस्पेक्ट फॉर और और अ गुड ओपिनियन ऑफ समवन जब आप किसी को गुड ओपिनियन रेस्पेक्ट एस्टीम फॉर टीचर्स टीचर्स के लिए पब्लिक जो एस्टीम है वो क्या होती जा रही है बेटा कम होती जा रही है क्योंकि अब जमाना आ गया है टिकटॉक का अब जमाना इतना घटिया हो गया है बच्चा को सुनने को समझने को रेडी नहीं होता अब बच्चा ऐसा सोचता है बस तीन सेकेंड की कोई या दस सेकंड की बस वीडियो आए इंस्टाग्राम की तरह और तुरंत वो कैब सर्च करने लग जाते कहता है वो कैब को जब जिस भी थमनेल पे लिखा होता ना मात्र तो एक क्लास में सीखे सारे सॉरी टेंस खत्म ऐसे ऐसे वीडियोस देख के भाई साहब वीडियो देखकर बनता कोई आए और माथे में गोली मार दे हमारे एक टेंस, एक टेंस क्लास में साला हम ढंग से डेफिनेशन बताते हैं टेंस के यूज बता पाते हैं भाई कह रहे हैं एक ही क्लास में पूरा टेंस खत्म मैंने बोला आज साला गोली मार दे मेरे को तुम मिल कभी राहत तो बेटा ये चीज आ गई क्योंकि टीचर्स के लिए रेस्पेक्ट क्या होती जा रही खत्म होती जा रहा अब तो ये सोचते ना बस फटाफट से आ जाए मेहनत कोई करके राजी नहीं

वेनरेशन बना है वेनरेट वर्ब से वेनरेट का मतलब होता है ऑनर करना रेस्पेक्ट करना किसी भी पर्सन की या किसी भी थिंग की तो हमने बोल दिया जो अमेरिकन राइटर हैं हा हैज बीन वेनरेटेड फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी उनको तो सेंचुरी तक तो याद रखा गया वेनरेट किया गया उनको रेस्पेक्ट दी गई या उनको याद रखा गया उनको एप्रिशिएट किया गया उनको प्रेज किया गया उसके लिए वर्ड ये बोलते बेटा वेनरेट करना से ही बनेगा ये अगला सेशन है लेकिन अब यहां से हम जरा वापसी आ जाते हैं अपनी इस प्रोफाइल पे तो देखो बेटा डिफेम करना डिफेम करना होना ठीक है आपने बोला क्रिटिसाइज करना डिग्रेड कर करना ठीक है ये चीज वहां आपने देखी मैलिन से आपने वो चीज देखा लेकिन हमने अब उनका उल्टा पढ़ना है बेटा अब तारीफे करो अक्लेम करना, acclaim करना। Accolade करना, 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 अप्लाउज प्रेज इस तरीके से दो, बार साफ आप से भी आप बनाने लगोगे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना जब मैं एक वर्ड बोलूंगा कई सारे बोल और यह मत सोचना मेरे बच्चे कि आपको पेपर में पूछेगा इसका सिनोनिम बता अरे मेरे बच्चे चार चार

वो कई दिन तक वहां सोती तक नहीं है खुशी में फूले नहीं समाते घूमती है, कुदे है। <laughs> खुशी और चीज ऐसी होती है इसलिए ले लेता हूं। <laughs> चलो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना मन में सोचा करो ना कि रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा तो आप अपने आप से खुश हो जाते हो कभी देखिएगा पॉजिटिव सोचो ना फ्यूचर में सारी नौकरी लगेगी अपने आप को दो सेकंड में आंखें बंद करके सोच के देखो वो वर्दी और वो सितारे अपने आप रात की नींद उड़ जाएगी दो सेकंड के लिए सोचो गलियों में वही कुत्तों की तरह घूमना या आंखें बंद करो वो वर्दी और वो कंधे पे वो सितारे दो सेकंड में आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे तुरंत बॉडी बड़ी मस्त है हमारी कहते हैं ना नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है अरे पॉजिटिविटी भी बहुत जल्दी फैलती है एक बार आंखें बंद करके सोच वो नाली वाली सोच ऐसी गधों की तरह घूमते रहना है कोचिंग लेने के लिए पैदा हुए हो लाइब्रेरी जाने के लिए पैदा नहीं हुए इंस्पेक्टर बनने के लिए पैदा हुए जॉब लेने के लिए पैदा हुए आप लोग कब तक कोचिंग जाओगे एक दिन मेरे को तो ऐसा डरता है डर है कहीं पापा बेटा एक साथ ना जा रहे हो

अब बात करते हैं प्रोलोग अच्छा गुरुजी जी प्रोलोग का मतलब क्या हुआ अब प्रोलोग का मतलब क्या हुआ अब प्रोलोग को जान लेते हैं बेटा प्रोलोग क्या होता है देखो ये है प्रो प्लस लोक अभी बता दूं अच्छा लोक अच्छा वो ना डायलॉग लोग जो है ना डायलॉग लोग से है तो लोग मतलब बातचीत है बेटा प्रो मतलब होता है पहले प्रो का मतलब क्या होता है पहले यानी कि इंट्रो ये कह के देख लो प्रो का मतलब इंट्रो लोक का मतलब क्या होता है बातचीत जिसको आप स्पीच कह सकते हो कहीं ना कहीं स्पीच कह लो या बातचीत कह लो डायलॉग कितने दो लोगों के बीच में होगा डाय डाय मतलब दो तो डायलॉग जो बोलते हो आप दो लोगों के बीच बातचीत होती है डायलॉग से हिंट याद रखना पेपर में डायलॉग सो डायलॉग so, प्रो प्रो मतलब पहले ठीक है सो so, प्रो मतलब पहले और लॉग मतलब बातचीत तो एक बात बताओ बेटा इंट्रोडक्शन रिमार्क इन अ स्पीच और प्ले इसका मतलब ये होता है बेटा जब मैं आपको कोई भी स्पीच देने की कोशिश करूंगा मैं कोई भी आपसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा तो इसका एक इंट्रो तैयार किया जाता है ठीक है उस प्ले की हम पूरी थीम बताते हैं जब आप प्ले वगैरह देखोगे ना तो उसकी थीम बताई जाती है कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ है अब देखिए आप तो एक इंट्रो जो मैं देता हूं ना उसको प्रोलोग बोलते हैं जिसको हम हिंदी में प्रस्ताव बोलते हैं प्रस्तावना बोल देते हैं सो इंट्रोडक्शन रिमार्क इन अ स्पीच प्ले और स्टोरी जब आप इंट्रोडक्शन या बुक हो तो उसको प्रोलोग आप कहो उसके बारे में आप पहले जानकारी देते हैं उसको बोलते हैं प्रोलोग देख लो बेटा और रूट वर्ड से भी वो कैब मैं कराऊंगा ठीक है ना बाद में तब भी ये वर्ड आएगा

अब बच्चों सोच तक तो नहीं पाए कि इसका सिनोनिम वार्म अप हो सकता है वार्म अप का मतलब क्या क्या होता है कहता क्या कर रहा? कहता अभी तो वार्म अप कर रहा हूं अभी लड़ाई चालू थोड़ी ना है वार्म अप कर रहा हूं अब एक बैट पकड़ के यूं कर रहा कहता क्या कर रहा है अभी खेल तो ना रहा तोड़ा रुक जा भाई वार्म अप कर रहा मतलब हूँ स्टार्ट लो गए तो ये इंट्रोडक्शन एक तरीके से इसलिए उसने इसका सिनोनिम वार्म अप मार दिया ये है मेरे बच्चे टीचर जब किताब लिखता है इसलिए मैं बाकी किताबों को बोल देता हूं कोई भी ऐसी किताब जिसमें सिर्फ प्रीवियस छिपा है प्रीवियस सिर्फ छाप के दे दिया वो एक्सप्लेनेशन नहीं दी वो कहां की किताब है प्रीवियस से छपाई हो तो गूगल से वैसे ही डाउनलोड कर लो ये वर्ड आया था इसका मतलब प्रस्ताव होता है खत्म उसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी उसमें एग्जाम्पल नहीं मिलेगा समझ तो में ही अच्छा, मतलब होता है जो पहले आगे होने वाला है उसको आप पहले से ही थोड़ा सा गो थ्रू टाइप करा देते हो तो जो होने वाला है उसके लिए आप ये बोल देते हैं ओवरचर कि आप उसको ये कहो कम्युनिकेशन है कि दूसरों को आप पहले से बता के चलते हो किसके बारे में एक इंट्रोडक्शन के बारे में किसके थ्रू अ पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्गर पीस स्पेशली एन ऑपेरा। तो उसमें चलो तो ऐसा लग रहा है आपको साहब ऑफ और मेन चलो दु। दु। दु।

ठीक है तो हमने ये बोल दिया इसका <laughs> उसके लिए बोलते हैं दूसरा है लड्डू इसका मीनिंग एक और बेटा एक तो मीनिंग इसका ये हो गया कि हम उठा रहे साउंड को दूसरा ध्यान से सुनिएगा सेकंड मीनिंग अ कम्युनिकेशन मेड टू इन ऑर्डर टू ऑफर समथिंग इसका मतलब क्या हुआ छुटको एक कम्युनिकेशन बनाया जाता है लोगों के बीच में इन ऑर्डर टू ऑफर समथिंग कुछ ऑफर कर रहे हो आप ऑफर कर रहे हो उसके लिए कुछ तो इसलिए बोल दिया नीदर साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट सेम विलिंग टू मेक पीस ओवरचर मतलब पहल नहीं करना चाहता कुछ मतलब दोनों के दोनों ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं कि नीदर साइड कोई भी साइड जो है वो पीस ओवरचर करना ही नहीं चाहते कि भाई सामने से आए कि चल यार लड़ाई झगड़ा खत्म कर लेते वही नहीं करना चाहते तो पहल करना उसके लिए भी ओवरचर कहीं ना कहीं यूज कर लिया जाता है ठीक है जी तो इसके कितने मीनिंग है बेटा दो दोनों दे लेते एक अच्छा ये जो आएगा ना ये वन वर्ड सब्टुड्यूशन में पूछेगा वन <k> वर्ड <Products and then>, में पूछ लेता है और एंटोनी सिनोनिम में बेटा आपको मैं आपको वन ना बहुत सारे आएंगे तो जो वन मैंने ये मत सोचना एंटोनी सिनोनिम याद हो बेटा एंटोनियम सिनोनिम भी याद हो वन वर्ड भी याद कर रहे हो और तुम साथ साथ स्पेलिंग भी सुधार रहे हो तो ये चीजें आपके एग्जाम में मतलब दिखेंगी जब वन वर्ड सब इतनी फुर्ती से हम करेंगे मैक्सिमम दस क्लास लो चलो दस क्लास में अगर एवरेज हम पचास की पकड़े तो कितने हो गए पांच सौ और वही एवरेज में अगर अस्सी की पकड़ा दूंगा वन वर्ड में तो अस्सी की हो गई तो भाई आठ सौ तो पंद्रह क्लास भी मैंने ले ली तो सारे वन वर्ड खत्म करा दूंगा मैं आपके वन वर्ड की क्लास तो बनती है पंद्रह क्लास में खत्म करा दूंगा वन वर्ड सारे के सारे ठीक है तो वो चीज ध्यान रखिएगा बेटा ओवरचर का मीनिंग भी है और ये यह आज अब अगला वर्ड है बेटा प्रियम्बल प्रियम्बल बेटा ये भी ज्यादातर वन वर्ड में ही पूछा जाता है और प्रियम्बल वर्ड आपने स्कूल टाइम में भी पहले से सुना होगा ठीक है प्रियम्बल so, क्या हुआ सेम एन इंट्रोडक्शन टू अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग में जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं समथिंग दैट बिफोर और लीड्स टू समथिंग एल्स तो आप एक इंट्रोडक्टरी जो स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग दे रहे हैं या जो पहले ही आप उसको बता रहे हैं किस चीज से समथिंग दैट बिफोर जो पहले हुआ है आप उसको पहले से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पहले से बता रहे हैं उसको प्रीएम्बल बोलते हैं द एग्रीमेंट बिटवीन वेरिंग पार्टीज जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज उनके बीच जो एग्रीमेंट है टू टॉक बात करने का मे बी प्रीएम्बल टू पीस एक संकेत है यह शब्द है एग्जैक्टली exactly. एक संकेत है शांति का अगर वो जो दो पार्टीज आपस में बात कर रही हैं ए और बी पार्टी आपस में पहले जो दुश्मन होती थी सपोज वो बात कर रही हैं तो ये एक संकेत है आने वाली शांति का ये प्रियम है एक साइन है आने वाली शांति का एक, है एक पह, जो है ये कहो पहल है आने वाली शांति की तो जो फ्यूचर में होने वाला है उसका संकेत जो आपको पहले ही मिल रहा है उसको बेटा प्रियम्बल कैसे याद रखेंगे बेटा आज है मेरे शेर बहुत आसान है बेटा प्री प्लस एम्ब प्री प्री प्लस अरे का मतलब भी तो पहले होता है प्रोलोग प्रो का मतलब पहले प्री का मतलब पहले इसलिए बोलते हैं प्रीफेस टू द बुक प्रीफेस प्रीफेस बुक के बाद में नहीं पहले लगाया जाता है छोटे वो भी याद हो जाएगा आपको सो प्रीएम्बल अपने दिमाग में याद रखना ठीक है इसका मतलब सर आ रहा है सर ठीक है आ रहा है आ जाओ बेटा सो प्री का मतलब भी क्या होता है पहले तो प्रीएम्बल याद रह जाएगा सर आगे तो देखो आगे तो देखो क्या प्री ली मीनि प्री ली मैनर प्री फिर से आगे बेटा प्री -ली ये भी वर्ड सेम है बेटा जब आप इसको देखोगे ठीक है आज मेरा पुत्र वर्ड क्या दिखा प्री ली मैन री अरे सर वही सो कमिंग बिफोर अ मोर इंपॉर्टेंट एक्शन कोई कोई भी कोई भी इवेंट है एक्शन उससे पहले आने वाला हमारे पास जो या प्रिपेयरिंग जो चीज होती है ठीक है उसके लिए हम प्री लेमिनरी बोलते हैं ठीक है जैसे प्री लेमिनरी फाइंडिंग्स मिली हमें कुछ मिली है इससे हमें लगता है ये हो सकता है सो so, बेटा वी हैव डिसाइडेड टू चेंज द डिजाइन हम डिजाइन चेंज कर रहे हैं भाई बेस्ड ऑन अवर प्रीलिमिनरी फाइंडिंग जो हमें प्रीलिमिन्री रिजल्ट मिले हैं हमें लग रहा नहीं हमें डिजाइन में चेंज करना होगा सो so, आने वाली चीज का पहले से ही संकेत आपको मिलेगा तो ये भी मेरे बच्चे प्री से आप इंक्लूड करके चलोगे बेटा वॉल्यूम वन बिल्कुल सेम कलर है वो सेम चीज है सेम डन है <laughs> किसी भी एग्जाम उससे बाहर आएंगे नहीं वर्ड बेफिक्र तो ये preliminary हो गया अच्छा ऐसे बेटा प्री लुट प्रीलुट सो ऐसे याद रखना इसको प्री प्लस लुट

कहीं ना कहीं डाउनफॉल आने वाला है वो इशारा है प्रीलुड है वो इशारा है तो कुछ ना कुछ होने वाला है अच्छा सर इल्यूजन है इल्यूजन है इल्यूजन है अगर वो इल्यूजन आपका प्री हो जाए सो या प्रो हो जाए तो प्रोल्यूजन हो जाएगा याद आया इल्यूजन है इल्यूजन है इल्यूजन है अगर वो इल्यूजन प्री या प्रो लग जाता है तो हमने लगा दिया उसको प्रोल्यूजन तो कहीं ना कहीं ये बना है मेरे बच्चे प्रो से अब समझे टीचर की हेल्प से बुक याद करने का ये फायदा हो जाता है आप इसे खुद याद करोगे ना ठीक है आप अगर बुक खुद लेके बैठोगे ना जैसे वॉल्यूम टू है मेरे पास हाँ इसमें कई पिक्चर थोड़ी ना आप इसे खुद याद करने बैठो कांग्रीगेशन कांग्रीगेशन ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन फेथ में हो धार्मिक सभा

तो ये बिना पिक के देखो ना कितनी मोटी किताब सारी याद करनी है इसीलिए टीचर काम आए जब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आप लोग हाँ, अब समझ समझ आ रहा भैया ठीक है आई <laughs> तो आप इस तरीके से आप चीजें देखते हो तो बेटा आपकी उम्र नहीं है वो मैं पहला पन्ना पलटिया मजा नहीं आ रहा तो मैं बुक बंद कर बुक बंद नहीं कर दी भे फिर पता है तू क्या करेगा जब ऐसे पढ़ लेगा सिलेक्शन होगा नहीं फेल होगा फिर पता है क्या करेगा हाँ मैं थकलाया सी हाँ मैं पहली ईट उठाई मैं थकड़क रख दी मैं पहली ईट उठाई रख दी मैं दूसरी ईट उठाई रख दी क्या करा मजदूरी क्यों वो बिना पिक्चर वाली जो पुक थी ना हाँ वो समझ नहीं आई थी तो फिर मैं पहली ईट उठाई मैं रख दी मैं दूसरी ईट उठाई मैं रख दी फिर आप ये बोलोगे फिर बनाना अपना इंस्टाग्राम रील मैं तीसरी ईट उठाई वो भी रख क्यों? पढ़ने का वक्त था तो वक्त था किसी के ब्लॉग्स तुम्हें देखने थे वो ज्यादा जरूरी थे कि भाई कितना अमीर हो गया और छाती फुलाए तुम घूम रहे तो भाई को पता है एक और बीएमडब्ल्यू ले ली भाई ने किन से भाई ने अब जब तेरे मां बाप बीमार होंगे गए क्या वो बीएमडब्ल्यू से उतर के तेरे को पैसे देने आएगा झंडी उनके के देख ठीक देखे है, चलो <laughs> कई दिल पे लगी होगी बात एकदम जाके सर मेरे पे चुभा दिया आपने बात चुभने वाली बोल दी बाय आगे आजा। आजा देख ले किस किस को बिग बॉस जीता बेरोजगारी का ऐसा आलम बना रखा है बिग बॉस जैसे एपिसोड चलने लग रहे हैं है है। तो हमने देखा बेटा प्रीलिमरी आया अगला वर्ड क्या था 21 के बाद 22 इंट्रोडक्शन बाईस के बाद क्या है तेईस प्री ये भी बता दिया बेटा और भी बता दिया मेरे बच्चे याद हुआ चल एक बार रिवाइज हो भैया और अब कोई नहीं मानेगा कहता हम नहीं देखते सर अब जो देखता होगा ना वो भी छोड़ दो छोड़ दो बेटा मां कसम आपके माँ बाप के काम आप ही आओगे आपका पैसा आएगा आपनी नौकरी आएगी कोई तला जेब से पैसे देने नहीं आने वाला तुम्हें समझ में आई बात ठीक है

ये तो पहले था हां अब बाद में इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम तो ट्वेंटी सिक्स देखते हैं देखो लोग, लोग कैसे याद रखोगे वर्ड टाइप करो बेटा फटाक से एपी प्लस लोग से बनाए किससे बना छुटको एपी प्लस लोग तो छुटको में यह ध्यान से देखिए जरा एपी एपी का मतलब होता है बेटा बाद में आफ्टर सो एपीलोग एक स्पीच या पीस ऑफ टेक्स्ट होता है जो एड किया जाता है एंड में एपी का मतलब होता है बाद में सो एपी लोक ठीक है आइए आगे. आगे देखते हैं इनवोई सो एन ऑथर्स कंक्लूडिंग वर्ड्स जो सारी बातों को कंक्लूड करके बताते हैं उसको बोलते हैं चुटकू ठीक है आपका इनवोई इन याद रखना बेटा वन वर्ड में ज्यादातर पूछा जाए अच्छा पोस्ट स्क्रिप्ट पोस्ट और प्री बेटा प्री मतलब पहले छुटको पोस्ट मतलब बाद में तो मेरे दोस्त क्यों ना पोस्ट स्क्रिप्ट को हम कर दे बेटा बाद में कंक्लूजन कब आएगा पहले या बाद में बाद में कंक्लूजन बेटा फिनाले बिग बॉस का, का? <laughs> बिग बॉस का फिनाले अरे तेरे से कह रहा हूं कब था फिनाले डेट बता दे उसकी तारीख बता दे कब विजेता घोषित किया वो भी बता दे कौन सी सेकंड पे हाथ उठाया वो भी बता दे और जब वो यूं कर रहा था जीतने के बाद हा तेरे को यही लगा ना जैसे है ना तेरा सगा भाई जीता हुआ है ना ऐसे लगा ना घर पे आएगा वो पैसा जीता हुआ उसका दस परसेंट तेरे को देगा है ना है ना ऐसे है ना? ही लगाते हैं तेरे को है ना छे फिनाले तो फिनाले कब होता है बिग बॉस का बाद में आ तो धर के भेजती किए मैंने उनके अब कोई नहीं देखेगा उसको पढ़ाई पे ध्यान दो ना तो छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और तीस तो फिनाले भी आएगा बेटा बाद में आ तो भैया मजा ही आ गया मेरे को तो चलो भैया आगे देखो सबको ही मजा आ रहा होगा जो जो बिग बॉस नहीं देखते बट जो जो देखते हैं ना वो सोचने सोच रहे हैं गुरु जी रहे आगे देखते हैं बेटा ये याद हुआ अब अगला स्टेप है ओह बहुत ही खतरनाक स्टेप है बेटा कैसे कहा गया थर्टी वन अरे यार बेटा थोड़ा हंस लेंगे वरना किसी दिन क्या पता सोए अगले दिन उठे ही ना जिंदगी बहुत छोटी है हंस लिया करो थोड़ा देखो जी अगला वर्ड है एंगुलर कैसे याद होगा अच्छा जब कहियों का फेस होता है एकदम गोलू गोल मटोल जैसे कई बच्चे नहीं होते हैं, शादी में घूम रहे होते एकदम गोलू गोलू से यूं भाग रहे होंगे उनके गाल भी यूं हिल रहे होते हैं आप उनको पकड़ दो रहे बच्चे, गुलु, 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 और यूं, हिला डालते पकड़ गए क्योंकि उसका राउंड फेस है उसका कैसा फेस है राउंड फेस है ठीक है जी एक सेकंड बाकी का बाद में बताऊंगा रिमोट स्टूडियो में

ये जो खाते ही होता है ना तो है ना वही उसी तो का काम एंगुलर तो एंगुलर का मतलब होता है बेटा एकदम एंगल जैसा बन जाएगा फेस। तो इसलिए एंगुलर फेस लेकिन अगर एंगुलर बॉडी हो गई है एंगुलर बॉडी है ना क्या ये वाला एकदम सुकड़ा सा भाई साहब एंगुलर फेस चल सकता है लेकिन एंगुलर बॉडी होती है बोनी हड्डी कहता है हड्डी हो गया अब खा भी लिया अगर ठीक है तो दोस्त का तुम तो मजाक नहीं बोलते हो होता चूसा हुआ आम हो रहा है बे अबे खा ले मरेगा तो डाइटिंग के चक्कर में तो उसके लिए आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त की बॉडी कैसी है एंगुलर बॉडी है दोस्त की बॉडी कैसी है एंगुलर बॉडी है एंगुलर होता है एकदम लीन पतला स्की व एकदम बस तो उसके लिए आप बोल दोगे ठीक है एक वर्ड दिखाता हूं तुम्हें इसकी पिक्चर थी ये ये भाई साहब ये भाई 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 से ठीक है

तो हमने क्या बोल दिया बेटा उसको एंगुलर एंगुलर और दूसरा क्या बोला उसको अब देखो हिज फेस हैज बिकम क्वाइट एंगुलर बॉडी था कोई बहुत ज्यादा कमजोर हो गया एंगुलर बॉडी होगी उसके लिए आप बोलते हो ठीक है स्किनी दूसरा हमने क्या बोल बोलिए एकदम स्किनी तीसरा क्या बोल दिया लीन पतला होना अच्छा ये वर्ड देखना पड़ेगा आपको स्लेंडर स्लैंड क्या लिखा है बेटा मैंने स्लेंडर स्लेंडर का मतलब भी होता है पतला जैसे थिन और डेलिकेट ऑफन इन अ वे दैट इज अट्रैक्टिव थोड़ा सा बट अट्रैक्टिव थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज्यादातर ये वर्ड जो है जैसे हमने बोला ही पुट हिज हैंड्स अराउंड हर स्लेंडर स्लेंडर वेस्ट वेस्ट पतली ज्यादातर गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है जिनकी बॉडी ऐसी होती है जो अट्रैक्टिव होती है लीन है बट अट्रैक्टिव है पॉजिटिव है तो स्लेंडर बॉडी बोल सकते हो लीन है लेकिन अट्रैक्टिव है उसके लिए आप ये बोल सकते हो ठीक है तुम्हारी हालत तो उल्टी हो रखी है तुम्हारा मटके जैसा पेट हो रखा है आगे जब नौकरी लगोगे फिर गाड़ी चलाओगे गाड़ी घुमाओगे हाँ तो तुम्हारा पेट स्टेयरिंग जो है ना स्टेरिंग हाँ उस पर पे पेट लग रहा होगा चो ऐसे घुमाओगे तुम देखना गाड़ी यार ये हम तो यूं चलाते हैं जितने जावागे गड्डी मोड़ांगे हम तो यूं हैं हम मोड़ते हैं गाड़ी जन, जन, तुम मोड़ोगे चुर 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 फिर चुर 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 क्योंकि यहाँ निशान पड़ जाएगा ना पेट का पेट तो मटके जैसा हो रखा है स्टेरिंग पे पेट पहले आएगा सीट पीछे करोगे और यूं चोर चोर ठीक है वो हालत है थे। ठीक है तो ये ऐसा काम बिल्कुल गंदा लगता है बेटा ध्यान रखना ठीक है पेट में निकलना चाहिए बहुत गंदा लगता है तो सिलेंडर हमने वर्ड यूज कर लिया उसके लिए आपने वर्ड यूज कर दिया तो ही पुट हिज हैंड्स तो ये तो चलो एग्जांपल हो गया सिलेंडर वेस्ट इसका मतलब क्या हो गया छुटको एडजेक्टिव हो गया ये वेस्ट क्या हो गया नाउन और नाउन से पहले ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया अच्छा लेथ वर्ड को आप कैसे एक सेकेंड भाई साहब मेरे को हो गया पानी पी लो एक मिनट पर ठीक है देखो अगला वर्ड वापसी तो अगला वर्ड क्या बोले लाइद लाइद को ना थोड़ा लाइट से देखना लाइट लाइद हल्का है ना लाइद लाइट लाइद लाइट लाइद लाइट यंग हेल्दी अट्रैक्टिव एबल टू मूव बैंड स्मूथली तेरे भाई में सारे गुण फुर्तीला है हेल्दी है यंग है अट्रैक्टिव है सब कुछ है सो so, हमें कैसी ए, एक एथलीट की बॉडी कैसी होनी चाहिए एथलीट की बॉडी ही हैड द लाइद एथलेटिक बॉडी ठीक है हमने ये बोल दिया डांसर की बॉडी कैसे होनी चाहिए लाइद होनी चाहिए डांसर की बॉडी एथलीट की बॉडी कैसे होनी चाहिए लाइद होनी चाहिए तो ये चीज आप यहां पर बोल के चलते हैं ठीक है वेरी गुड आगे देखो बेटा अगला वर्ड है स्क्रैगी अगला वर्ड क्या है स्क्रैगी अगला वर्ड क्या है स्क्रैगी स्क्रैगी का मीनिंग क्या होता है बेटा स्क्रैगी आ जाओ जी स्क्रेगी वेरी थि एंड नॉट लुकिंग उल्टा है, बेटा. मतलब देखो, हमें है तो इसके सिलोनी में लेकिन कई थिन और कई होते हैं नेगेटिव देखो जैसा अगर आपकी बॉडी स्की है ठीक नहीं लीन है पॉजिटिव स्लेंडर पॉजिटिव लाइट पॉजिटिव स्क्रैगी जब भद्दा लगे पतला हो गया लेकिन भद्दा लग रहा है उसके लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं स्क्रैगी

ये अट्रैक्टिव पॉजिटिवली है ये कैसा है बेटा नेगेटिवली बेटा ये है ये ये है पॉजिटिव। तो तो इसके दिमाग में में याद रखना so actually, all three members क्या थे वो स्वेल थे तो वो वो बेटा पूछे इसलिए मैं पॉजिटिव या नेगेटिव लिख के देता हूं ठीक है आ जाओ ध्यान चलो अब देखते हैं जरा आगे आ गया भाई छत्तीस हाँ स्वेल्ट हो गया बेटा 37 हाँ और हमारे पास Gagly, एक वर्ड रह गया ना अभी बताता हूँ इसको अरे उसी की तो वो गैग gag, गैगली हमने बताया थी ठीक है ये उसी के तो वर्ड है यंग मैन हु इज वेरी टॉल एंड थिन मूव्स ऑकवर्डली थोड़ा सा यूं जो चलते हैं ना जैसे कई लोग भी बहुत ज्यादा हाइट हो जाते हैं थोड़ा अजीब चलते हैं उनको लिए बोलते हैं यार गैगली यूथ हो गया आजकल का ठीक है ना गैगली यूथ हो गया जिसको वो स्वैग बोलते हैं

अपने और अच्छे दोस्तों के साथ बाइक पे जाता है घूमने जाता है अपना शौक पूरा करने जाता है उसको बाइकर बोलते हैं छपरी को बाइकर बोल के बाइकर की आप इंसल्ट करते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बाइकर का मतलब क्या है सर बाइकर का मतलब यह है जो अपने परिवार को सुखी रखता है जो अपने जॉब लगा हुआ है उसके परिवार वाले उससे खुश हैं फिर वो सोचता है यार पूरे वीकेंड बहुत जम के काम किया बहुत जम के मेहनत किया है कुछ पल इस जिंदगी से अपने लिए भी चुरा लिए जाए तो वो वो अपने वीकेंड पर बाकी ऐसे ही अपने अच्छे दोस्तों के साथ एक प्यारी सी बाइक लेता है पर अपना होता है ना लड़के के और शो की क्या होते हैं बेचारा उम्र जो है पूरा अपनी जीवन अपनी जवानी अपने मां बाप अपने परिवार पर झोक देता है वो अपना कुछ पल निकाल के अपना चैन के वो एक बाइक उठाता है ठीक है उसको बहुत अच्छा लगता है पूरा अपना वेल मेंटेन होके महंगे अपना कपड़े लेके अपना बाइकर्स वाले वो बाइक लग, चलाता है वो जब चलाते हुए बाइक को जाता है जिसमें रेस्पेक्ट है जिसमें तमीज है सड़क पर बाइक कैसे चलती है उन्हें बाइकर्स बोलते हैं अप्रियों को बाइकर्स बोल बोल के हम बाइकर्स के इंसल्ट करते हैं हमने देखे हैं सर बाइकर्स को हमने देखा उनको आते हुए हमने देखा उनको जाते हुए वो जाते हैं वो जो अपना जो है कैमरा लगा के अच्छी अच्छी जगह को शूट करते हैं इंस्टाग्राम पे डालते हैं हम वो जगह देख के हमें भी दो पल की खुशी मिल जाती है कितना अच्छा सीन है यार अच्छा हमें भी खुशी मिलती है छपरियों ने ऐसी तैसे करा दी बीच में केटीएम की वैल्यू खत्म दो की सेल दो की अगर सेल देखोगे ना के न, KTM की खत्म ही कर दी भाई साहब जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी वीडियोस हम देखते हैं छपरियों पे भाग के बाइक को उठा के फूल दे रहे हैं अगली महिला मित्र को कहते हैं अरे तेरी छुप

थर्टी नाइन का उल्टा फोर्टी बल्कि वो 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 बल्कि बॉडी मतलब ह्यूम और मसल वसल सब कुछ लौंडा कातिल लग रहा है आपने बोला भाई साहब ही वॉज अ बिग प्रॉनिंग मैन विद ह्यूज हैंड्स सो उसके लिए हमने अरे सॉरी बल्कि बल्कि तो चलो सबको पता है हैवी सबको पता है बेटा ब्रेवनी नहीं पता होगा ये याद रखना ब्रेवनी होना तो देखो ब्रेव भी होगा ब्रेवनी मैन होगा क्योंकि भाई साहब अगर वो बल्कि होगा ठीक है मस्त तगड़ा लौंडा होगा सो हमने क्या बोला ड्राइव नहीं होगा फ्लैशी होगा फ्लैशी ठीक है having a lot ऑफ सॉफ्ट फ्लैश इसका मतलब a broad flashy हैंड बड़े बड़े हैंड उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है और पाउची होगा ठीक है जी पॉन्ची बोल देते हैं इसको पॉन्ची सो हैविंग अ फैट स्टमक his टॉल अ बिट पॉन्ची थोड़ा टॉल अब थोड़ा सा

एकदम तो तो मोटे से हो गए वहां और बच्चा भागते भागते आ रहे तो, पा 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 और वो हक कर रहा है तुम्हें यहाँ और नीचे तुम देख दो तुम्हारा बच्चा ही नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पेट इतना ज्यादा निकल गया तो बच्चा कहता कहा? तो, है पा, 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 फिर तुम उसको बेटा थोड़ा इधर बात का दिखता ही नहीं है तू ठीक है हाँ मेरे को ये नहीं दिख रहा मैंने कौन से कलर की चप्पल पहनी है तो बच्चा बच्चा ही गायब हो जाता है बच्चा बेचारा हक करना चाहता है पापा को लेकिन पापा देख रहे बच्चा बेटा पेट के नीचे घूम गया कहता बेटे कहाँ गया कहता पा पापा इधर ठीक है तो इधर आगे देख के बात कर बेटा मेरे को चप्पल नहीं पता है कौन से कलर की पहने तो कह रहा पापा पापा तो वो हालत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है इसका मतलब बिल्कुल पेट लू नहीं बनना है पेट बिल्कुल नहीं बनना मेहनत करके रखनी है है भाई साहब ठीक ना मेहनत करने एक्सरसाइज करने खाने पर कंट्रोल करना है ये नहीं कि शादी में जा रहे हैं तो अपना पूरा वसूल के आ रहे हैं वो काम नहीं चलो तो इसी लास्ट जोक के साथ हमारी क्लास खत्म अब टेस्ट देते हैं भाई साहब अब देखते हैं टेस्ट में बेटा स्पेलिंग्स भी जुड़ी हैं तो तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए क्योंकि बिना टेस्ट तो भाई साहब बुजदिली है टेस्ट दोगे तो बेटा पेपर में पता कैसे चलेगा आपके मार्क्स आएंगे आएंगे कि नहीं सातवी क्लास का ये <laughs> <laughs> ये रियल लाइफ की बातें हंसी तो तुम्हें तभी तो आ रही है क्योंकि तुम आसपास ऐसी चीजें देखते हो अरे भाई अरे यार ये तो क्लास ही खोल दी डॉन वाली क्लास क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर द एक्शन ऑफ डैमेजिंग गुड रेपुटेशन किसी की खत्म करते हो तो उसका सिनोनिम क्या होगा जब गुड रेपुटेशन किसी की खत्म करते हो तो उसका सिनोनिम क्या होगा जब आप गुड रेपुटेशन किसी की खत्म करते हैं तो उसका सिनोनिम क्या होगा ध्यान से बनाइएगा बहिरबन कदरदान। करेक्ट <coughs> डफॉर्मेशन यानी कि बी तो जिन्होंने भी मार्क किया है ठीक है बेटा चलो फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं का आपको क्या बताना है बेटा वर्ड अपोजिट वेनरेशन का अपोजिट बनाना है वेनरेट करना वेनरेशन वेनरेट करना वेनरेशन का आपको अपोजिट बताना है बेटा मतलब बेचती करना और मम्मी कैसे बेचती करती है वो एग्जांपल है

स्वागत करना अप्लाउज करना तालियां बजाकर, स्वागत करना उसके लिए वर्ड था ना अप्लाउज करना है ना? नेक्स्ट, अगर आप किसी को कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो है ना लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा आप उसकी रेस्पेक्ट करो तारीफ करो रेस्पेक्ट करोगे क्या होगा एस्टीम करोगे सर पहली बार देखा हूं, बच्चा यूट्यूब पर पेड बैच की तरह पढ़ रहे से कसम से मजा आ गया लव यू बेटा यूं ही मेहनत करो आपके घर वाले भी खुश होंगे चलो कैलमनी अगला वर्ड क्या है कैलमनी <coughs> क्या मीनिंग आया बताइए भाई वाह बेटा जो भी जुड़ता जाए लाइक और शेयर हर एक बच्चा जरूर करेगा क्लास को एंड में भी कैलमनी मेलिन करना जो क्योंकि सर सेम बताना था सेम बताना था प्रेज तो इसका अपोजिट हो जाएगा मैं अपोजिट भी जरूर देता हूं ऑप्शन अपोजिट हो जाएगा प्रेज तो आ जाओ अगला है प्रो प्लस लो अरे सर इतने हिंट अच्छा सॉरी मैं जब बात हो गया ज्यादा ऊपर उठा दिया <laughs> इसका मीनिंग बताना आप आप प्रो लोग का क्या होगा प्रो लोग लो का आपको क्या बताना है कहा गया सिमिलर सेम प्रो प्लस लो प्रो, प्रो 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 मतलब पहले प्रो मतलब पहले अगर प्रो का पोस्ट तो ये तो एंटोरिम हो जाएगा नहीं प्रियम्बल प्री प्रियम्बल चलो बेटा करेक्ट वर्ड लिखा करो एबीसी मत लिखा करो Prime, अगला वर्ड है अपोजिट बताना बेटा अब प्रो से ही याद रख लो एक वर्ड अगर मैं चेंज भी कर देता हूं उसको ठीक है प्रोइम का मतलब क्या होता है बेटा प्रोइम एक वर्ड जाओगे आरंभ प्रोइम प्रो आरंभ आरंभ ऐसे लिखेंगे ना आरंभ स्टार्टिंग प्रोइम का मतलब क्या होता है अपोजिट बताओ आरंभ का क्या होगा अंत आरंभ का क्या होगा अंत क्या हो जाएगा एपीलोगी Epi मतलब बाद में एपीलोग ए हो जाएगा बेटा इसका एपीलोग वेरी गुड Prime, अगर नहीं हुआ था तो देख लो एक वर्ड यहां से निकलाएगा आएगा इनवॉय अभी भी कराया था मैंने इनवॉय अभी भी कराया था मैंने बताओ जी क्वेश्चन नंबर आठ इनवॉय का क्या हो जाएगा प्रोल्यूशन वेरी गुड क्यों क्योंकि हमें बताना है बेटा इसका अपोजिट वर्ड लिख के चलो बेटा एबीसीडी नहीं एबीसीडी नहीं एबीसीडी नहीं वर्ड लिख के चलो चलो नाइन्थ नंबर देखो नाइन्थ नंबर पोस्ट स्क्रिप्ट बेटा प्री पोस्ट याद आया पोस्ट पेड नंबर या प्रीपेड वहां से भी याद कर सकते हो इसका सिमिलर बताना बेटा नाइन्थ का सिमिलर बताना है प्रो प्रो का, का मतलब क्या हो गया बाद में प्रीपेड पोस्ट पेड पोस्ट का मतलब क्या हो गया बाद में बाद में तो इसका मतलब क्या हो गया कंक्लूजन बी बाद में का मतलब क्या हो गया बेटा कंक्लूजन मतलब बी चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन टेन में क्या लग रहा है दसवें का क्या होगा द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग किसी भी चीज का फाइनल पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं किसी भी चीज का जो फाइनल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं कंक्लूजन कंक्लूजन चलो यहां पर मुझे एक बात याद आ गई पहले मैं उसको पूरा कर दू बात याद आ गई पहले मैं पूरा कर लू उसको क्योंकि भाई वो नहीं रहना चाहिए वो बहुत जरूरी है वो जरूरी है बेटा ये बैच मेरे बच्चे जिन्होंने इंग्लिश स्पेशल ग्रामर का बैच नहीं लिया ना एक मिनट रुकना भैया एक मिनट रुकना मैं बैच का प्रमोशन कर लू एक मिनट रुकना है बैच का मैं प्रमोशन कर लू पहले बैच बता दो बेटा आ रहा है क्योंकि वही बात है ना आपने तो ज्वाइन किया आप बोलोगे नहीं, नहीं ये मत बता अरे भाई साहब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको तो पढ़ने दे दे खसम ठीक है चलो बेटा तो ये बैच आ रहा है बेटा इंग्लिश स्पेशल बैच है ठीक है प्री से लेके मेंस तक का सिलेबस कराया जाएगा कंप्लीट सिलेबस होगा तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो कैरल लैब डाउनलोड कर लो हमारी ऐप और वहां से जाके बैच ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि कल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल ग्यारह बजे एक बहुत ही बहुत ही प्यारी वीडियो आएगी और उसमें मैंने अपनी पास्ट मेमोरीज दिखाई है हाईलाइट करके सो कल की ग्यारह बजे भी वीडियो देखेगा आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी ठीक है

इसका क्या बताना है सिमिलर सिमिलर क्या होगा स्ट्रेट नहीं फ्लशी तो सिकोफेंट नहीं क्या होगा लीन पतला चलो बारा. बारा में कहता है है बेटा अभी अभी रहा ना पंच मार दो दु -दु 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 -दु। मजा कर रहा था इसका मतलब वो बल्कि होगा बहुत ज्यादा बल्कि होगा, होगा तो बारह का क्या होगा हमें क्या बताना है सर उसका उल्टा बताना है सर वर्ड अपोजिट अपोजिट बताना है तो भारी भरकम है तो स्किन इसका अपोजिट हो जाएगा अगर भारी भरकम है तो स्किन इसका अपोजिट हो जाएगा मानते हो कि बात को नहीं मानते हो ठीक है चलो बेटा तेरा तेरा नंबर में क्या है स्क्रैगी अरे भाई ओ ओ भाई 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 की भाई ऊपर <ख गरूंगे> की जरा भाई स्क्रैगी 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 अब स्क्रैगी का क्या स्क्रेगी बेटा अपोजिट स्क्रैगी भी थोड़ा हैवी हैवी था है का अपोजिट है हैवी का अपने सॉरी स्क्रैगी का अपोजिट है तो स्क्रैगी तो पता ही होता है हाँ बताओ लेकिन पॉजिटिव वे में है ना सिनोनिम बताना है लेकिन सिनोनिम बताना है तो बताओ तेरा का क्या होगा बेटा स्किन ए इतनी स्पीड बनाओ वो कैब की भाई इतनी स्पीड बनाओ तेज तो नहीं कराना ना स्पीड ओके भाई एक बार कमेंट में हेलो भाई साहब सारे आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फोर्टीन सॉरी अट्रैक्टिवली थिन अब फंसोगे अट्रैक्टिवली थिन क्या होता है जा रहे हो क्या अरे नहीं ठीक है भाई अरे अट्रैक्टिवली थिन का मतलब क्या है अरे भाई साहब ऐसे ही वो करानी पड़ती है इनको चिल्ला चिल्ला के अट्रैक्टिवली थिन का मतलब क्या है <laughs> चलो क्या होगा बेटा अब आया आया ना लाइन पे इसलिए याद रखना पड़ता है बेटा पेपर में ऐसा दे देगा अट्रैक्टिवली थी फिर फंसोगे इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है ले लो ना किताब प्रीवियस ईयर सर फैलाइने ने कहा अरे एक्सप्लेनेशन नहीं है फिर कहेंगे कैली बुक हरी बुक नीली बुक पीली बुक लेके देखो सर इतने हजार सर उस पर लिखो अठारो हजार प्लस वर्ड इतने वर्ड अब एक्सप्लेनेशन वर्ड साला वर्ड की लिस्ट लेने गए मार्केट में हम कि भाई और इस किताब में बीस और जमा वर्ड्स और बच्चा पता क्या कहता किताब चाहिए अब झंडू याद कैसे करेगा वर्ड एक्सप्लेनेशन कोई मौका नहीं छोड़ूगा मैं अपनी बुक की तारीफ करने की भाई वो के बुक जयदीप सर की मस्त चलो आ जाओ गैंगली का मतलब क्या होता है भैया गैंगली का मतलब क्या होता है गैंगली भाई साहब हेलो तेरा ध्यान किधर है अगला क्वेश्चन इधर है गैंगली का वर्ड का मतलब क्या बताना बेटा अपोजिट अपोजिट प्रॉने गैंगली भैया याद आया वो फोटो गैंगली की थी ए भैया आज कुछ नया लाए हैं हम रे बताओ स्पेलिंग टेस्ट चूज द मिस वर्ड भैया जी इसमें जो मिस वर्ड है अब कुछ नया और आप करें अगर सही आंसर दिया तो आपको मिलेंगे पूरे दस लाख रुपए आज से साठ साल के बाद बताओ कौन सा चल हा हाँ। बच्चों ने स्पेलिंग भी ठीक लिख दी सर पोस्टस्क्रिप्ट ठीक है डफोर्मेशन ठीक है विलिफिकेशन ठीक है भाई ठीक नहीं है सर एल सर आई गलत वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सत्रह बताते रहे छठे जरा करेक्टली चुनना है कहीं जज बात हो गए करेक्टली चुनो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है भैया सर आपने पहले इंट दे गधे इसका तो दिया चप्पल के मार मैंने तो चप्पल ही मार दो तो तो ए एक ठीक आंसर नहीं दिया कैमरे में से काफी ऐसा फीचर होता कि क्योंकि तो कैमरे में मार दो सीधे ऐसे लगती भाई सारे बच्चे यूं पढ़ते अब ये जो ऐसे लेट लेकर पढ़ रहे हैं ना ये सारे ठीक होकर पढ़ते और तो रिजल्ट से मरा डंडा सीधा एकदम लेने लगे एकदम सब सुधर अबे मैंने कहा नहीं था असैसिनेशन पूछूंगा हिंट भी दे दी तब अब दम आचार रखिए भाई साहब क्लास में अब दम आचार रखिए पहले ही पहले ही नहीं बोला था ये हिंट देना है इसका भी गलत आंसर छोटी आलिया भट्ट कुछ तो याद रख ले कि बाहर ही नहीं एक्टिंग से कुछ चलो क्लास भी पूरी ठीक है और बेटा जी देखो कल 11 बजे एक प्यारी सी वीडियो आई है यार बहुत मेहनत से मैंने उस वीडियो में एडिटिंग कराई है और जब आप उस एडिटिंग को देखोगे तो आप समझोगे सर ठीक है बहुत अच्छी है उसमें आ, करीब मेरे को बेटा इस साल तेरह साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए और वो करीब करीब दस बारह साल पुरानी वीडियो है उसमें क्लास में मैं जब पढ़ा रहा था ठीक है तो उसकी वीडियो आप देखने को मिलेगी आपको अच्छा लगेगा उस वीडियो को देखिएगा कल ग्यारह बजे मैं अपलोड करा दूंगा चैनल पे और जो जो बच्चे हमारे लिए कल क्योंकि अब सैटरडे संडे है ना बेटा सैटरडे संडे कुछ ना कुछ मोटिवेशन या कुछ ना कुछ, ना कुछ प्यारी सी वीडियो डलवा दिया करेंगे मंडे टू फ्राइडे आपका बैच है दिल से बताइएगा कमेंट करके अभी नहीं बाद में क्योंकि आपकी तारीफ भरी कमेंट करके मुझे बड़ा अच्छा लगता पढ़ के तो अभी नहीं बाद में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी लाइव में नहीं बाद में ताकि मैं नीचे जाकर एक दो कमेंट की मैं रिप्लाई भी करूंगा जो ठीक है मंडे टू फ्राइडे बैच है इसका मतलब अब हमारी क्लास मंडे होगी बेटा दो दिन का वक्त है सर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है पैर पढ़ रहा हूं प्लीज रिवाइज करना पिछली वकैब वरना मजा नहीं आएगा ठीक है प्लस आज अब आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूं क्योंकि अब बच्चों के पास किताब गई होगी कि बुक आपके पास गई होगी बेटा ये बुक है जो आपको वो कैब की लेनी है

जिनके पास नहीं है अपना वो मंगवा ले ठीक है ये ध्यान रखना डन है वॉल्यूम वन भी और वॉल्यूम टू इकट्ठी ऑर्डर कर लेना प्लीज इसको और अपना ऑनलाइन से मंगवा लेना डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है अमेजन पे शायद डिस्काउंट चल रहा है अमेजोन से मंगवाना जहां पर ज्यादा सस्ती मिले वहां से मंगवाना अमेजोन या फ्लिपकार्ट ठीक थे। है जहां से अपने को सस्ती मिले अपने को वहां से मंगवाना और सेट नंबर वन से मैं आगे बढ़ रहा हूँ सेट ये मत देखना जदीप सर ने एक सेट एक सेट निपागल एक सेट में मैंने एंटोनिम सोनोनियम सारे एक्सप्लेन करके कोई सारे सेट निपटा दिए आप अगर बुक में देखोगे ना एंटोनी देखेंगे आपको फिर वही वर्ड की एक्सप्लेनेशन आगे दिखेगी उनके साथ साथ एक्सप्लेन एक्सप्लेन बुक में मैंने आगे किया है इसीलिए क्या करोगे जब आप यहां से वर्ड वर्ड देखोगे तो करीब करीब आज हमने बेटा सो, चार सो वर्ड हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं आपके सामने साढ़े तीन सौ चार सौ वर्ड अब तक आ चुके हैं तो वो आपकी मदद करेंगे ये याद करने में ठीक है जब आप इनको याद करने बैठोगे आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा अच्छे से अगर मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कोई बात नहीं बेटा थोड़ा लाइट तरीके से याद कर क्योंकि जितना मैं यहां से बढ़ाता जाऊंगा ना उतना और तेरे को अच्छे याद होते जाएंगे तो आपके शनिवार में दो होमवर्क है एक तो आप सारे अब तक जो क्लासेज हुई है सात क्लासेज उसको सारी पीडीएफ को रिवाइज कर लोगे सारी पीडीएफ को रिवाइज कर लोगे और हंड्रेड नंबर सेट सेट और याद करके नंबर सेट। फिर आपको एक और होमवर्क दूंगा फिर निन्यानवे पे यहां से आप याद करते चलना बेटा ऐसे खत्म होगा ताकि हम वॉल्यूम टू भी चालू करनी ठीक है वॉल्यूम टू भी याद करनी है ठीक है अरे वो कर दिया क्या सत्रह अच्छा सत्रह नंबर क्वेश्चन रह गया क्या सॉरी oh, असैसिनेशन oh, <laughs> ये तो गलत है डबल एस आए नहीं अच्छा पाउ सी है ठीक 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 सत्रह का सी है हाँ सत्रह का सी है बेटा हमने करेक्टली बताना था वो इनकरेक्टली बता गया मैं ठीक है हमने करेक्टली प्रीफेस में आ जाएगा हमने करेक्टली बताना था हाँ मैं इनकरेक्टली बता गया इनकरेटली ये तो गलत है ये. बताना था तो ही हो जाएगा ठीक है डाने बेटा मैं कहूँ भाई साहब सत्रह का सी सत्रह का सी अब तक लाइन क्यों लगी है बच्चा कहाँ रह गया <laughs> मैं आगे चला गया बच्चा पीछे हो गया भैया ठीक है चलो आ जाओ तो अब जरा ध्यान दीजिएगा इसका डन हो गया चलिए सत्रह का सी है भैया पीछे गाड़ी खींचो <laughs> चलिए तो ये आ, कहा डायलॉग बोल रहा था डायलॉग बुलवा दिया अभी बीच में हाँ तो ये कह रहा था आपका होमवर्क ये रहेगा अब मंडे को क्लास होगी और कल 11 बजे एक प्यारी सी वीडियो आएगी उस वीडियो को देखिएगा ठीक है कल 11 बजे आपके लिए डलेगी उसको देखिएगा ठीक है अच्छी लगेगी वो बैच की इन्फॉर्मेशन है लेकिन उससे पहले मैंने पिछली जो क्लासेस थी ना वो थोड़ी सी मेरे को वीडियो मिल गई मेरी पिछली वो उसमें ऐड करवाई ठीक है चलिए बाय टेक केयर आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इसकी पीडीएफ दो मिनट के अंदर अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे बेटा और जो ऐप पर है बच्चे ऐप पर भी वीडियो डलती है जो आपकी पीडीएफ डलती है और टेलीग्राम पे भी डलती है ठीक है चलिए बाय टेक केयर लव यू ऑल थैंक यू सो मच आपके इस प्यार प्रेम के लिए और ये बरकरार रखिएगा लाइव यूँ ही रहेगा क्योंकि जिस दिन आपका इंटरेस्ट मुझे कम देगा मैं तुरंत क्लास बंद कर दूँ और मुझे यकीन है अपने आप पर कि मैं क्लास नहीं रोकूंगा और मुझे यकीन है आप लोगों पर भी कि आप अपना प्यार प्रेम यूँ ही बनाए रखोगे क्योंकि सीरियसनेस बनाए रखनी बहुत जरूरी है भाजी ठीक है वरना बारह घंटे के बाद वो कैब क्लास लेना भारी पड़ता है बेटा तो अपना ही इंटरेस्ट और रिवाइज जो होमवर्क दिया है सो नंबर, सेट, इसका याद सो नंबर सेट और वो याद करके ही मुझे बता दूं एक बार मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं बाकायदा ताकि किसी बच्चे के पास कोई बहाना ना रहे पेज नंबर हंड्रेड का पेज जो है ना बेटा सेट नंबर हंड्रेड का वो एक सौ एक है अरे बहुत बढ़िया सेट नंबर हंड्रेड है जो ना वो एक सौ एक है तो एक सौ एक पेज पे है वो आपका होमवर्क है प्लस सारी क्लासेज रिवाइज करके मिलोगे एक सौ एक पेज नंबर हाँ बेटा एक सौ एक पेज नंबर है ठीक है वो रिवाइज करके मिलोगे डन है ये बेटा चलिए तो बाय टेक केयर लव ऑल चलो भाई शटर कर डाउन शटर कर डाउन चलो बाय